हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर दिस इज वीडियो ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द न्यू मेथड दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू देखिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपको मैंने लास्ट क्लास समझाया था कि बेसिकली आपके जो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन होता है वो बिल्ली दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है एक तो होता है आपका नॉन डिस्काउंटेड फैक्टर और एक होता है आपका डिस्काउंटेड फैक्टर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो आपका होता है डिस्काउंटेड फैक्टर देखिए मैं डिस्काउंटेड फैक्टर के बारे में एक बार आपको बताता हूँ कि डिस्काउंटेड फैक्टर का मतलब होता क्या है देखिए डिस्काउंटेड फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए अगर आप जो मई जो मनी आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और फ्यूचर में होने वाली जो भी उससे इनकम अराइज हो रही है वो फ्यूचर में है ठीक है और फ्यूचर में जो इनकम होती है वो आपकी अनप्रडिक्टेबल होती है दैट मीन्स उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व भी होता है तो डिस्काउंटेड फैक्टर में जो होता है ये आपके जो है एडमी ये ये वो फैक्टर होते हैं जो आपके होने वाले जो फ्यूचर में जो होना फैक्टर जो कैसे कहते हैं जो पॉसिबिलिटी जिसकी मनी वैल्यू होती है इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है जैसे कि देखिए रिस्क अगर मान लीजिए रिस्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया ठीक है प्रोफिट देखा आपको पता है कि जिसमीस कहते रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट उतना ज्यादा हो सकता है या लॉस भी ज्यादा हो सकता है ठीक है तो डिस्काउंट फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा एक होता है आपका इन्फ्लेशन बस सीधी सी बात है आप जो भी आप कहीं पर भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हम कैपिटल बजटिंग बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा तो लंब समय में लगाते हो ठीक है तो इसमें क्या होता है कि ओवर द पीरियड टाइम ऑब्वियसली उस मनी वैल्यू जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो

एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकिन अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी जो है कुछ कैटेगरी में डिवाइड होती है देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है दैट मीन्स कि कंपनी की कॉस्ट कितनी है कंपनी की कॉस्ट कितनी पड़ रही है अगर आप इन्वेस्टर हो आप इन्वेस्टर आप कोई भी हो सकते जैसा भी हो जैसा मान लीजिए आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करोगे रिटर्न ठीक है ना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे ऑब्वियसली रिटर्न ही करोगे अगर आप मान लीजिए डिविडेंड लेते हो तो कंपनी की कॉस्ट क्या हो जाएगी और अगर मान लीजिए अगर आप डिबेंचर होल्डर हो तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप इंटरेस्ट तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये भी मोरलेस आपका वैसे कोस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेट ठीक है तो इन तीनों को मिला के इन तीनों को मिला के आपका क्या बन गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अगर, अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से लो तो ये सब क्या बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स ठीक है तो ये सब आपके जो डिस्काउंटेड फैक्टर में इंक्लूड हो जाएंगे दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड है आपका वो आपका डिस्काउंटेड फैक्टर है दैट मीन्स इसका आपको इम्पैक्ट डिस्काउंटेड फैक्टर का भी लेना होगा अभी तक हमने जो भी मैथड डिस्कस करे दो ही मेथड डिस्कस करेंगे एक तो हमने डिस्कस किया था दैट इज पे बैक पीरियड और एक हमने डिस्कस किया था दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि जो वो उसमें हमने डिस्काउंटेड फैक्टर का को कोई इम्पैक्ट नहीं लिया था राइट देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का को मैं समझने का बहुत तो आसान तरीका है एन पी वी का अगर हम फॉर्मला देखें तो क्या बताता है देखिए प्रेजेंट वैल्यू देखिए नाम से सिस्ट है प्रेजेंट वैल्यू मीन्स नेट अब नेट वैल्यू यहाँ पर दैट मीन्स ये कैश फ्लो से इफेक्ट कर रहा है देखिए अगर मैं कैश आउटफ्लो को सॉरी कैश इनफ्लो को माइनस कर दूं कैश आउटफ्लो से ठीक है दैट मींस अगर मान लीजिए कैश इनफ्लो ज्यादा है कैश आउटफ्लो से तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है राइट लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे हम इसकी क्या निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ठीक है एंड एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बस डिफरेंस लेंगे एंड फिर हम डिसीजन लेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड अकॉर्डिंग कि क्या हमने वो प्रोजेक्ट हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए राइट अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको गिवन ही होगा प्रेजेंट कैश आउटफ्लो क्या है जैसे मान लीजिए आज आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया किसी अगर आप मान लीजिए किसी मशीनरी पे अगर आपने मान लीजिए फाइव लाख रुपीज आपने आज इन्वेस्ट किए राइट एंड ओवर ए टाइम लाइक सपोज इसकी मशीन की लाइफ पीरियड कितनी सपोज फाइव लैक फाइव ईयरस है एंड आपको जो कैश इनफ्लो जनरेट हुआ हर साल मान लीजिए फर्स्ट ईयर हुआ आपको वन लाख सेकेंड ईयर हुआ आपको टू लाख देन वन लाख फिफ्टीन लाख ठीक है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सपोज थ्री लाख देन फोर लाख ये आपकी जो है कैश इनफ्लो आपका जनरेट हुआ राइट right? लेकिन ये जो आपके जो इनफ्लो जो जनरेट हुआ वो कब हुए हैं ये हुए हैं फ्यूचर में ये हुए हैं फ्यूचर में राइट right? तो अब हमें क्या करना होगा इन सब इन सब फ्यूचर वैल्यूज को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू में और फिर कंपेयर करेंगे इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर ज्यादा हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है ठीक है तो इसके बारे में डिसीजन कैसे लें वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बट पहले आपको कंसर समझना है देखिए मैं फिर से एक बार भी कर दूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज़ ऑलवेज गिवन टू यू उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट द थिंग इज दैट यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो दैट मीन्स हर साल का आपका जो है जो भी वैल्यू है तो उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू right? आप में लेके आनी है राइट आप क्वेश्चन आता है कि सर प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए आपको जो गिवन होगा वो गिवन होगा आपको डिस्काउंटेड फैक्टर अब वो कुछ भी हो सकता है जैसे मान लीजिए टेन परसेंट हुआ इलेवन परसेंट हुआ ट्वेल्व परसेंट हुआ एट परसेंट हुआ सिक्स परसेंट हुआ वो कुछ भी हो सकता है आपको वो हमेशा गिवन होगा एन पी वी आपको हमेशा गिवन होगा राइट अब क्वेश्चन आता है सर तो करेंगे कैसे देखिए डिस्काउंटेड फैक्टर का मान लीजिए मान लीजिए टेन परसेंट हुआ टेन परसेंट का मतलब समझ रहे हो आपका क्या हुआ जैसे मान लीजिए आज आपने वन रुपीज स्पेंड किया तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी वन पॉइंट वन यही तो होगी आपकी वन पॉइंट वन उसके बाद कितनी होगी आपकी वन पॉइंट टू वन उसके बाद कितनी होगी आपकी वन पॉइंट थ्री थ्री वन ये टेन परसेंट देखिए इसमें टेन परसेंट इस हो गया फिर इसमें टेन परसेंट हो गया फिर इसमें टेन परसेंट हो गया यादमी इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा तो वो ऐड होता हो जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या देखिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट से आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन अब आपका क्या कर रहा है आप? क्या काम का यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इट मीन्स आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है यानी कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ जाना है आपको तो सबके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर करेंगे कैसे देखिए अभी मैं सिर्फ एक सिंपल आपको सिर्फ आ, आपको मैनुअली करके बता रहा हूँ बाद में तो हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे वो तो ईजी हो जाएगा करना कुछ नहीं देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको इसकी वैल्यू को प्रेजेंट निकालना है तो कैसे निकालनी है वन डिवाइड बाई वन वन पॉइंट वन इसकी कैसे निकालोगे वन डिवाइड बाई वन पॉइंट टू वन देन वन डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री वन इस तरह करनी है कैलकुलेटर से बताऊँ कैसे करना है वो बहुत ईजी है आ, अच्छा इस चैप्टर से पहले आप एक ना टाइम वैल्यू जो मनी है वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना का आ जाए कि किस तरह निकालते हैं ऑल राइट तो देखिए अगर आप डिवाइड करके देखिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी बिकॉज देखिए डिनोमीटर आपके ज़्यादा हैं सम में एंड डिनोमीटर आपके कम है तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू कम होगी दैट so अगर आप देखोगे ना ये सब जो अपने वैल्यू ये ये सब वैल्यू फ्यूचर में होने वाले है, अब इसको और फिर हम डीजल लेंगे कि हमें जो प्रोजेक्ट लिया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है राइट right? अब इसको एक छोटे से जो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट उसके थ्रो समझे ताकि आपको बेटर रिलेट हो जाए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दैट इज क्वेश्चन फोर द इनिशियल आउटले आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज वन लैक एंड इट जनरेट्स कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड राइट सो इट जनरेट कैश इन इनफ्लो ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फोर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इन दी

डिस्काउंटेड जो पे वे पेड़ है तो हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में देख लिया था तो इसको तो हम देख लेंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है मेनली हमें जो है एन पी वी एंड प्रोफिट इंडेक्स पर फोकस करना है देखिए अगर आपको एन पी वी समझ आ गया तो प्रोफिट तो इंडेक्स कुछ नहीं है वो मोरलेस आपका वही सेम है डिफरेंस जो है वो आपको मैं थोड़े में, में डिस्कस कर दूंगा तो पहले देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है पहले हम निकालेंगे एन पी वी कैसे करना है देखिए जहाँ से पहले निकाल रहे हैं हम एन पी वी ऑफ राइट देखिए कैश फ्लो कितना होटीज रुपीज वन लैक पी वी एफ आज की वैल्यू कितनी इसकी रुपये वन ठीक है देखिये आपने ध्यान से देखिए आज की वैल्यू कितनी इसकी रुपयी वन प्रेजेंट वैल्यू देखिए आज की देखो ऑब्वियसली आज रुपयी वन होगा ठीक है आपको देखिए यहाँ आप पर क्या गया देखिए आप इसको पी वी एफ टाइप को ध्यान से समझिए आज आपने वन रुपीज पेंड किया उस रुप की वैल्यू एक साल बाद कितनी होगी पॉइंट नाइन नाइन जीरो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ठीक है दो साल बाद जो कमाओगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी पॉइंट एट टू सिक्स तीन साल बाद जो कमाओगे उसकी वैल्यू कितनी होगी पॉइंट सेवन फाइव वन चार साल बाद जो कमाओगे वो कितनी होगी पॉइंट सिक्स एट थ्री अच्छा वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो आपका वो चार साल के लिए तो ये आप इसको इग्नोर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो कितना हो गया आपका एक लाख यानी कि वन लाख इंटू वन लैख इंटू वन दैट इज़ वन लाख कोई दिक्कत नहीं है सबसे कैश फ्लो में क्या करना है आपको पहले यह लिखना है अमाउंट अमाउंट ना लिखे यहाँ पर आप ना वैसे इसको लिखिए कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो और फिर हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू आप यहां पर लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट टेन परसेंट राइट इसके बाद आपको देखिए गिवन आपको कोई दिक्कत नहीं है ये देखिए तो को गिवन है क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको क्या करना है दिस मल्टीप्लाइजिस दिस मल्टीपलाइस दिस मल्टीप्लाइस दिस मल्टीप्लाइेशन वी विल हैव दोटल अमाउंट दैट इज वन लैक फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी राइट अब देखिए थोड़ा उसको एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखिए थर्टिकल वाइज देखिए आज आपने कितना इन्वेस्ट किया है एक लाख रुपये फ्यूचर में होने वाले जो आपके कैश इनफ्लो हैं ठीक है ठीके? आपने उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तब उसकी वैल्यू कितनी दैट इज यानी कि ये वो मतलब क्या हुआ दैट मान लीजिए आज आपने कहीं पर एक लाख रुपये डाले और आपको आज के आज ही उसकी वैल्यू कितनी मिलगी वन लाख like फोर्टीन थाउजेंड सिक्स एटी आज आपने कितना डाले वन लाख like. और आज के आज ही उसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज वन लाख फोर्टीन थाउजेंड सिक्स एटी राइट तो इसका मतलब आपके लिए वो प्रोजेक्ट क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो गया फ्रूटफुल आपके लिए तो बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी फोर्टीन थाउजेंड सिक्स एट्टी राइट अब देखिए हमें जो डिसीजन लेना है वो बेसिकली हमें तीन पैरामीटर के बेसिस पे लेना है ध्यान से देखिए अगर एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव आया तो हम क्या करेंगे एनपीवी अगर नेगेटिव आया तो हमें क्या करना है एंड इफ एन कम्स आउट जीरो तब हम क्या करेंगे ठीक है ध्यान से देखिए देखिए पहले अगर आपने एन को ध्यान से समझा हो ये किस पर डिपेंड है डिस्काउंटेड फैक्टर इज जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखिए इसका जो तो डिस्काउंटेड फैक्टर था वो कितना दैट इज़ टेन परसेंट यानी कि जो आपको ये हर साल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कम से कम दस परसेंट तो मिल ही रहा है सर आपको कैसे पता दस परसेंट है दस परसेंट है क्योंकि एन पी दस आपका पॉजिटिव है ठीक है देखिए

उससे तो कम ही मिल रहा है लेकिन कंफ्यूज होता ना जीरो पे देखिए अगर मान लीजिए जी एनपीबी जीरो आया तो मतलब क्या होगा मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड और अगर ये जीरो आ गया तो मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ आपने फ्यूचर आपने आज एक लाख रुपये इन्वेस्ट करके आप ध्यान सुनिए देखिए एक लाख रुपये इन्वेस्ट कीजिए उसके अगले साल कितनी उसकी एक लाख दस हजार एक लाख दस हजार आपने आज इन्वेस्ट किए एक लाख अगले साल आपके इसकी वैल्यू कितनी होगी एक लाख दस हज़ार अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, तो कितनी आएगी कि एक लाख रुपये और अगर आप एन पी निकालोगे इसका और इसका तो एन पी कितना आ गया जीरो मतलब क्या हुआ मतलब ये आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दस परसेंट तो आपको दस परसेंट मिल तो हो गया दिक्कत क्या है आपको दस परसेंट मिल गया और आपने इसको जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर तब भी एक लाग आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो दैट मीन्स एनपी कब जीरो होगा जब आपका वो जितनी आपकी एक्सपेक्टिंग या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है रिटर्न करने की आपको उतना ही मिल रहा है ना तो उससे कम ना ज्यादा तो जब उतना ही मिल रहा है तो लालच क्यों बना एक्सेप्ट कर लो इसको अभी मतलब रिजेक्ट कर देंगे अगर रिजेक्ट बने दैट बनेस आप लालची हो भाई आपने एक्सपेक्ट किया दस तो आप, आपको दस मिल रहा है आपका एनबीवी जीरो आ गया हाँ अगर कम आए तो आपका वो आ, वो आपका नेगेटिव चला जाएगा तब तो, तो उसके आपको रिजेक्ट करना ही है राइट तो एनबीवी अगर नेगेटिव हुआ तो तभी आपको रिजेक्ट करना है अदरवाइज आपको एक्सेप्ट करना है सो दिस इज दैट इज एन बीवी चलिए नाउ कमिंग टू प्रॉफर्टिव इंडेक्स देखिए प्रॉफर्टिव इंडेक्स और एनबीवी में डिफरेंस क्या है देखिये एनबीवी जो आपको आंसर देता है वो आपको देता है एब्सोल्यूट फिगर में जैसे देखिए ऊपर जो आपका आंसर आया कितना होगा दैट एनबीआ का लेकिन प्रोफिटिव इंडेक्स आपको देता है टाइम्स में देखिए इंडेक्स आपका इजी है देखिए क्या करना आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो ऑब्वियसली देखिए इसकी वैल्यू वन से ज्यादा ही आएगी क्योंकि आपको जितना कमा आपने लगाया उससे ज्यादा मिल रहा है तो प्रोफिटिव इंडेक्स आपको हमेशा टाइम्स में देगा ठीक है, बहुत सिंपल है इसमें भी ये देखिए आपके तीन केस जाएंगे आपको जब आपको इसको डिसीजन लेना है जब आप डिसीजन लोगे, वो तीन पैरामीटर के बेसिस पे लोगे दैट मीन्स अगर पी आई की वैल्यू मोर देन वन आई तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है एक्सेप्ट करना है एंड इफ पी आई कम्स टू देन वन सो रिजेक्ट बट इफ पी आई वैल्यू आपकी इक्व टू वन आई देन अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट वही आपका एन वाला केस है राइट right? अब आप सोचा कि सर जब एन हमारे पास मेथड है तो फिर हम की बढ़ रहे हैं उन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा यस डिफरेंस है डिफरेंस क्या है ध्यान से देखिए ऐसा मान लीजिए दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी ए प्रोजेक्ट से आपका एनपीवी जो आया पॉजिटिव आया सपोज फिफ्टी थाउजेंड राइट एंड इससे जो आपका एनपीवी आया सपोज आया एट्टी थाउजेंड मैं बोलूं कि आप बोलो कि आपको जो है इसमें कौन सा प्रोजेक्ट आप ऑप्ट करोगे आप बोलोगे सर हम तो ऑब्वियसली एट्टी थाउजेंड में मिलेंगे क्योंकि इसका एन ज्यादा है ऑल राइट यहाँ क्लियर है लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इसका आपका प्रोफिटिव इंडेक्स वो कितना है सपोज टू टाइम्स बट इसका जो पी आई है वो वन पॉइंट फाइव टाइम्स है अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करोगे सर हम तो अब तो ये करेंगे सर आप कहना क्या चाह रहे हो मेरा समझ नहीं आ रहा देखिए जब आप कंपेयर करते हो बिटवीन दी टू प्रोजेक्ट्स तो आप एब्सोल्यूट फिगर नहीं आप लेते हो एक जिसको बोलते हैं जैसे जैसे आप देखिए मार्क्स uh, है, है, हैं ऑफ स्टूडेंट हैं ठीक है भाई मार्क्स के स्टूडेंट के जो मार्क्स है एब्सोल्यूट फिगर में परसेंटेज भी देते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए किसी की नाइन्टी एट परसेंट आए तो किसी के नाइनटी एट नाइन्टी नाइन परसेंट आए तो आप इजीली आप रिकमेंड कर लेते हैं हाँ इसके ज़्यादा नंबर हैं ठीक है ना भाई जैसे मान लीजिए बैठक में बोलो मान लीजिए किसने जो है हंड्रेड मार्क्स ऑफ किए और दूसरे ने भी हंड्रेड किए लेकिन इसके हंड्रेड आए आउट ऑफ टू हंड्रेड और इसके जो आए हैं ना हंड्रेड ऑफ हंड्रेड तो इसका परसेंट कितना हुआ फिफ्टीन अब इसका कितना परसेंट हुआ आपका दैट इज हंड्रेड परसेंट तो ऑब्वियसली आप परसेंट के बेसिस पे आप लोग करोगे आप इसकी बेसिस पर ना करोगे सर दोनों के यहाँ हंड्रेड हैं तो हम हम तो डिसीजन लेंगे नहीं ले नहीं पाएंगे हम तो कन्फ्यूज हो रहे हैं लेकिन जब आप परसेंट निकालते हो एक्चुअल में एक एक किसी को बेस बना चलते हो तो इसलिए हंड्रेड परसेंट आया ऐसे ही आपका यहाँ पर पी आई मेथड है ठीक है तो पी आई मेथड में जब देखो टाइम्स यानी जितना ज्यादा टाइम्स होगा दैट मीन्स आपको ज्यादा आपको पैसे कमा के दे रहा है एज कम्पेयर टू द कैश

अब इन फ्लो कितना देखिए ये सब आया आपका दैट इज फोट फिफ्टी फोर्टी थर्टी ट्वेंटी ये सब आया अच्छा जो पे बैक पीड़ियड आपका ये आपका नॉन डिस्काउंटेड मेथड है इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के यहाँ पर लिखा हुआ कि अज्यूम टेन परसेंट और बच्चे क्या समझेंगे कि ये इसका दिया हुआ है पेबैक पीरियड का नहीं ये पे बैक पीड़ियड का नहीं ओवरऑल दिया हुआ है अब डिसाइड आपको करना है कि

सिद्धि विनायक लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन मशीन रुपीजन टैक्स देखिये आपने इनिशियली कितना चार लाख रुपए लगाना चाहे अब आपके सामने दो मशीन डिसाइड करना आपको बी अब आप किस बेसिस आपको ऑन द बेसिस ऑफ एन बी बी ऑन देश ऑफ पेवे पीरियड एंड ऑन देश ए आर आर आपको ये तीनों मेथड निकालने हैं ऑल राइट आपको मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड है एनपीवी जो आपका डिस्काउंटेड से इफेक्ट से इम्पेक्ट करेगा बाकी जो हैं दो हैं दैट इज़ पे बैक एन ए आर आर या नॉन डिस्काउंटेड मैथड है ऑल राइट तो बस अब तो हमने मेथड समझ लिए पहले बात करते हैं एन पी वी ऑफ मशीन ए इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आपका चार लाख रुपये तो चार लाख रुपये ही आएगा उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम ही आएगी आपकी बट जो सबसेकेंड ईयर में जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसको so कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में तो इसका आंसर कितना आ गया दैट इज़ फाइव लैख एटीन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी ये टेन परसेंट आपका डिस्काउंटेड फैक्टर है तो एन पी बी कितना आ गया दैट इज़ वन लाख एटीन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी मशीन बी की बात करें तो मशीन बी में आपका देखिए एन बी बी कितना आ गया वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट्टीन सो देखा देखिए अगर हम एन पी बी के बेसिस पर अगर डीजिल लेना है तो एन बी बी किसका ज़्यादा है मशीन बी का तो देख लिखा हुआ है सिंस एनपीवी ऑफ मशीन बी इज हायर देन मशीन ए देर मशीन बी शुड बी एक्सेप्टेड नाउ कमिंग टू पे पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है चार लाख की अब हमने क्यूमिटिव अमाउंट निकाल लिया चालीस एक साठ तीन बीस पाँच साठ सात बीस एन निकाला हमने सॉरी ये पी बैक पीरियड होगा तो पे वैक पीरियड कितना दैट इज थ्री पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स मशीन ए आपको जो है थ्री पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स में आपको जो है अमाउंट रिकवर करके दे रही है जो चार लाख आपने इन्वेस्टमेंट किए वो चार लाख रुपये आपको थ्री पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स में रिकवर हो जाएंगे बट अगर मशीन बी की बात करें तो मशीन बी आपको टू पॉइंट सिक्स ईयर्स में दे रहा है यानी कि ये ज़्यादा जल्दी करके दे रहा है आपको तो क्या लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पी पी आई ऑफ मशीन बी इज लेस देयरफॉर मशीन बी शुड बी एक्सेप्टेड देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में बताया था कि ARR जब भी आप पढ़ो तो आप समझो कि आप क्या पढ़ रहे हो दैट इज एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड तो अगर ARR A आप ए आर आर मशीन ए आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे अगर एस एल एम मेथड है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बट अगर यही मेथड अगर आपका सॉरी अगर डेपेशन मेथड अगर आपका डब्ल्यू डी भी होता तो कह लेते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट राइट सो देखिए यहाँ पर एक है एवरेज नेट प्रॉफिट अज हम सबसेकेंट जो कैश इन्फ्लो निकालते हैं उसमें उसमें नेट प्रॉफिट का आता है देखिए नेट प्रॉफिट का मतलब है दैट मीन्स दैट वैल्यू द आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेज एंड ऑल द टैक्सेज टू दी गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट वैल्यू ठीक है अब ध्यान से देखिए आपको जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है जो आपको सब्सिक्वेंट जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी गिवन आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन तो अब आपको देखिए नेट प्रेजेंटिंग ने नेट प्रॉफिट निकालना है बट आपको क्या गिवन है ये टैक्स के बाद गिवन है आपको यानी कि क्या गिवन है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स गिवन है आपको वैल्यू बट आपको चाहिए बिफोर टैक्स सॉरी आफ्टर डेप्रिसिएशन तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे बट सर डेप्रिसिएशन निकालें कैसे हमें तो कोई परसेंटेज गिवन भी नहीं है देखिए नहीं गिवन है ना ही आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है सो ऑलवेज अज्यूम कि स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी नील अगर नील होगी सो so दैट मीन्स कौन सा मेथड आप फॉलो करोगे एस एल एम मैथड राइट right? तो चार लाख आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और पाँच साल बाद उसकी वैल्यू नील नील होगी तो हर साल आपका डेपरेशन की वैल्यू कितनी हो रही है अस्सी हज़ार रुपये आपकी वैल्यू जो है वो डेपरेशन लग जाएगा आपका ऐसा ले मैं सर कहूँ तो देखिए सबसे गेंट कैश इनफ्लो कितना आ रहा है आपका देखिए गिवन आपको चालीस एक बीस एक साठ दो चालीस टोटल गेवन किया आपको अब इसमें क्या करना है आपको हर साल बस चालीस हज़ार सॉरी अस्सी हज़ार आपको डेप्रेशन लेस करना है आपको मेनली फिगर क्या चाहिए प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन एंड टैक्स क्यों क्योंकि इसी को बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट तो बस ये मैंने क्या कर जो फिगर लिखी है मैंने हर साल चालीस हज़ार अस्सी हज़ार मैंने माइनस कर दी तो फाइनल फिगर क्या होनी आपकी तीन बीस अब हमें क्या निकलना है एवरेज नेट प्रॉफिट तो बस तीन बीस डिवाइड बाई पाँच आपको कितना गया चौंसठ हज़ार हमला क्या आपका एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई ऑरेंज इन्वेस्टमेंट सो सिक्सटी फोर थाउजेंड डिवाइड बाई फोर लैक मल्टीप्लाई हंड्रेड सो पहली मशीन से आपको जो रिटर्न मिल रहा है प्रॉफिट का सॉरी ऑरेंज इन्वेस्टमेंट का कितना मिल रहा है आपको सोलह मशीन बी निकालेंगे तो तो हम A, uh, B, so तो उससे कितना जनरेट आपका आपका तो अगर हम के देखें में क्या देखिए कि ठीक है तो देखिए आपको देखिए आप यहां पैरामीटर कह रहा हे कह रहा हमें मशीन बी करना चाहिए कोई पैरामीटर कह रहा है मशीन ए करना चाहिए देखिए वैसे देखा जाए तो जो अभी अभी हमने ये मेथड निकाला दैट इज कॉल ए आर आर इसमें आपका डिस्काउंटेड इम्पैक्ट नहीं ले रहा तो ये तो वैसे भी हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज ये आपका आउटडेटेड मेथड है बट सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं ताकि वैसा होना भी ताकि आपको पता चलाए कि डिस्काउंटेड फैक्टर की वैल्यू क्या है ठीक है चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स Gopi Limited is considering the uh, the purchase of new machine. The two machine A and B are available, each costing rupees 5 lakh. In comparing the profitability of the machine, a discounting rate of 10% to be used and machine is to be written off in 5 years by SLM method with the nil residual value. Cash inflow after tax are expected to be as follows that is, rupees this much amount and this much amount. तो बस अब आपको क्या निकालना है आपको प्रपोजल लेना ऑन द बेस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड एन पी वी मैथड प्रॉफर्टी इंडेक्स एंड एवरेज देखिए ये सब आपने किए हुए तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं अब बस आंसर मैच कर लेना इसका ये मैंने आंसर किया हुआ है आपका आप इसको जो है मेरी वीडियो पोस्ट करके आप आंसर नोट कर सकते हो ऑल राइट सो दिस इज़ द ऑल अबाउट आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू